तय इनकी गठबंधन का तो नाम ही नीतीश कुमार, जब मीटिंग चल रही थी उसी मीटिंग में पूरा विरोध किया। ये इंडिया गठबंधन क्या, अब तो उनके छठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए। प्रधानमंत्री तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ सब जगह से डिमांड है, उनके जो नेता है वो तो कहीं दिख नहीं रहे बिहार में। जो बिहार सरकार का हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में लगभग 25 लाख लोग इलाज के लिए गए बिहार सरकार के हॉस्पिटल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी प्लान सेट कर लिया है। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे भी बिहार आ रहे हैं, उनका भी बिहार में आगमन होना है। सभा को संबोधित करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और प्लान करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। इन सब को लेकर सांसद संजय झा ने बयान दिया है। सांसद संजय झा ने कहा है कि इस गठबंधन का नाम ही नीतीश कुमार, जब मीटिंग चल रही थी इस मीटिंग में पूरा विरोध किया था, यह इंडिया गठबंधन क्या है, जब यह नाम दिया जा रहा था अब तो उनके छठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री जेल से बाहर निकल गए हैं, अभी तक 5 पीएम थे, अब छठे पीएम दावेदार हैं। आप जवाब देने दीजिए, उनको निकाला ही गया है चुनाव प्रचार के लिए, शराब कांड में उनको जेल भेजा गया था, कोर्ट ने उनको 20 दिन के लिए बेल दिया है, उसके बाद फिर वह जेल चले जाएंगे। इस पर उनको बोलना चाहिए या आकर प्रधानमंत्री की यात्रा पर बोलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सांसद संजय झा, वो जरा सुने आप लोग। इनकी गठबंधन का तो नाम ही नीतीश कुमार, जब मीटिंग चल रही थी उसी मीटिंग में पूरा विरोध किया। ये इंडिया गठबंधन क्या है, आप लोगों को याद होगा जब ये नाम दिया जा रहा था, अब तो उनके छठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री निकल गए हैं ना जेल से, अभी तक 5 थे, अब छठा प्रधानमंत्री का दावेदार निकल गया। अब उन लोगों को आपस में सेटल करने दीजिए, जवाब देने दीजिए, और वो निकाले गए हैं इसीलिए कि चुनाव प्रचार करें। लेकिन वो शराब कांड में उनको अंदर किया हुआ है, कोर्ट ने इंट्रीम बेल दिया 20 दिन के लिए, 20 दिन के बाद फिर अंदर कर दें। इस सब पर बोलना चाहिए, यहाँ करके क्या बोलेंगे। आज तक जो प्रधानमंत्री के यात्रा पर बोलते हैं कि आ क्यों रहे हैं, प्रधानमंत्री तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ सब जगह से डिमांड है, उनके जो नेता है वो तो कहीं दिख नहीं रहे हैं बिहार में, कहीं दिख रहे हैं क्या चुनाव प्रचार में। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री को कभी औरंगजेब तो कभी कुछ कहा जा रहा है, इसे कैसे आप देखते हैं। ये सब जितना बोलेंगे उतना ही मोदी जी के खिलाफ इस तरह का बयान जब करते हैं इन लोग, तो जनता उसका हिसाब ले लेती है। जनता ने पूरा मन मना लिया है, अभी रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री जी का, आप देखिएगा किस तरह जनता निकल करके आती है, जो प्यार लोगों का है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का डिमांड बिहार के हर एक जगह से हो रहा है और होना भी चाहिए। चुनाव में आप जब जाते हैं तो अपना हिसाब दीजिएगा, जब जाइएगा तब ना लोगों के बीच में। उनके नेता आए हैं क्या, जो शहजादे हैं उनके दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में कहीं आपको, क्योंकि जहां जाएंगे उनका कुछ वोटे कम हो जाएगा, ऐड तो वोट में करेंगे नहीं। प्रधानमंत्री का आने से हमारा सीट और बेहतर हो जाता है, अब वो अगर आएंगे इसलिए डिमांड भी नहीं, कोई बुलाता भी नहीं, उनके आने का मतलब है कुछ वोट कम हो जाए। योगी आचार्य है लालू प्रसाद यादव की, वो कह रही है कि सोना जो महंगा है अब लेगा कौन, अब गिनेगा। अब इसका तो भाई मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ क्या किस कॉन्टेक्स्ट में और क्या बोल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जो इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पे आ गया है। एक और एक बात और दे दूँ, अभी आया ना कल है कि अप्रैल में जो बिहार सरकार का हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में लगभग 25 लाख लोग इलाज के लिए गए बिहार सरकार के हॉस्पिटल में, मतलब एक दिन में 82,000 से ज़्यादा लोग बिहार सरकार के हॉस्पिटल में गए। हम लोग इस मुद्दा पर बात कर रहे हैं ना, 82,000 तो इसका मतलब, और उससे पहले क्या होता था, जो नेताजी घूम करके बोल रहे हैं जानवर और कुत्ता रहता था हॉस्पिटल में, ये नीतीश कुमार को हॉस्पिटल मिला था, अब वहाँ से अब 82,000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अब वो कुछ भी, नीतीश कुमार तो मौका दिए सरकार में काम करने का, तो बोल रहे हैं मौका दिए लेकिन फेल कर गए। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।